Okay friends, good evening to all of you. So today we are going to move ahead in the theory of the chapter retirement of a partner. What happens? कल हम लोगों ने कि अगर एक partner retire होता है whatever reasons, it can be personal reasons, age factor, ठीक है, तो हमारे वापिस books of accounts में पांच important adjustments होते हैं. Calculation of new profit sharing ratio, that's very easy. Just because ratio is decided, तो जो जा रहा है उसको जाने दो, बचे हुए पार्टनर तो शेयर रहेगा, वो उनका न्यू रेशियो हो जाता है. बट अगर उसके जाने के बाद आपस का प्रमाण अगर बदल गया, आपस का रेशियो अगर बदल गया, then there is a problem which needs to be attended, and that is what we call as जहां पर आता है सैक्रिफाइस रेशियो का बात. कि अगर सैक्रिफाइस नहीं, बेनिफिट रेशियो का बात, आई एम वेरी सॉरी. सो अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर होने के बाद कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का आपस का प्रोपोर्शन न्यू रेशियो में चेंज हो जाता है, देन वी कैलकुलेट बेनिफिट रेशियो बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. अदरवाइज जनरली बेनिफिट रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो. व्हाई इज बेनिफिट रेशियो कैलकुलेटेड? तो मैंने बताया था, इट इज कैलकुलेटेड फॉर द पर्पज ऑफ राइटिंग ऑफ गुडविल. वो हम लोग आगे देखेंगे कैसा है. एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, वेरी सिंपल. ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. लॉस रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डिसाइड करे तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आउटगोइंग पार्टनर है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, सिर्फ उसका शेयर उसके अकाउंट में ट्रांसफर करे, बाकी का अमाउंट नए बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में आ जाए. रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विल बी सेम. द ओनली डिफरेंस इज द प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. We move ahead to the fourth point, and that is adjustment of goodwill. So, my dear friends, वहां पर था कि अगर नया पार्टनर ने गुडविल कैश में लाया तो क्या, नहीं लाया तो क्या, है कि नहीं. सो द थिंग्स वेर वेरी सिंपल, हम लोगों ने देख लिया. यहाँ पर इट्स स्टिल मोर इजियर बिकॉज यहाँ पर तो पैसा अभी किसी को देने का बात ही नहीं है. ऑफकोर्स जा रहा है पार्टनर तो पैसा देना पड़ता है, लेकिन अभी फिलहाल उसको कुछ देने का जरूरत नहीं है. सो गुडविल का अगर हम लोग केस ले, माय डियर फ्रेंड्स, इफ वी टॉक अबाउट गुडविल, सो अंडरस्टैंड वन थिंग, गुडविल में भी गिवन इन बैलेंस शीट. इफ गुडविल इज गिवन इन बैलेंस शीट, द बेसिक रूल रिमेन द सेम. Its treatment will be like a normal asset. Its treatment will be like a normal asset. Value बढ़ गया तो profit, कम हो गया तो loss. जो भी profit loss रहेगा, it will be transferred to revaluation account. बोलो, समझा क्या सबको? Okay, now. It is given in adjustment. Now, this is more important. So, if goodwill is given in adjustments, two things can be given. Either goodwill account is raised or goodwill account is and return off. Pay attention carefully. दो बातें हो सकती है. Either goodwill account is raised or goodwill account is raised and return off. ये हम लोगों ने तभी भी देखा था admission of partner में, अभी भी वही बातें हैं, लेकिन अब थोड़ा सा फर्क है. When goodwill account is raised, वहां पर raised का एक ही entry था, goodwill account debited to old partner's capital account. लेकिन यहां पर गुडविल के दो अलग अलग केसेस पॉसिबल है. क्या पॉसिबिलिटी है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट.
So here there are two possibilities which is to be dealt with. Goodwill account can be So goodwill account is raised for entire firm. A possibility है goodwill is raised for entire firm or goodwill can be raised for retiring partners share only. क्या दो पॉसिबिलिटीज है मेरे दोस्तों? या तो गुडविल पूरे फर्म के लिए रेज हो सकता है और इट कैन बी रेज ओनली फॉर रिटायरिंग पार्टनर शेयर. इफ इट इज रेज फॉर द एंटायर फर्म, आप लोग भी बोल सकते हो, अगर पूरे फर्म के लिए रेज हुआ है तो बोलो जर्नल एंट्री क्या बन सकता है, गुडविल रेज हुआ है सो गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू पूरे फर्म का गुडविल है, इसीलिए ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, इफ गुडविल अकाउंट इज रेज फॉर द एंटायर फर्म, जर्नल एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बोलो क्या ये बात आप लोगों को समझा क्या? बिकॉज उन लोगों ने डिसीजन लिया इट इज टू बी रेज फॉर द एंटायर फर्म. Now you understand what is goodwill of the entire firm, what is goodwill for only the outgoing partner share. On the other side, if goodwill is raised only for the retiring partner, तो पूरे अमाउंट के लिए रेज नहीं होता वो टाइम पर. वो टाइम पर गुडविल इज रेज फॉर ओनली आउटगोइंग पार्टनर शेयर. अगर ऐसा दिया है आपको तो ध्यान में रख लेना मेरे दोस्तों, गुडविल तो डेबिट होगा, गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर श्योर, नो डाउट अबाउट दैट. बट क्रेडिट किसको दिया जाएगा? सिर्फ इट विल बी गिवन टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्रेडिट किसको दिया जाएगा? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो गुडविल ध्यान से समझ लो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि आइदर गुडविल कैन बी रेज. रेज करते वक्त यू हैव टू चेक वेदर इट इज रेज फॉर एंटायर फर्म और वेदर इट इज रेज ओनली फॉर रिटायरिंग पार्टनर शेयर. यू हैव टू चेक दैट अगर एंटायर फर्म रहेगा, क्वेश्चन में बोला रहेगा, तो पूरे अमाउंट के लिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जब हम लोग बोलते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो नेचुरली इट विल बी इन विच रेशियो? इट विल बी इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इट विल बी इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एंड इफ इट इज ओनली फॉर रिटायरिंग पार्टनर शेयर तो रिटायरिंग पार्टनर का जितना अमाउंट है उतने अमाउंट के लिए गुडविल का उसको क्रेडिट मिलेगा. नेचुरली रेस किया तो गुडविल कहाँ लिखोगे? सेकेंड इफेक्ट, गुडविल अकाउंट विल हैव ए बैलेंस. बोलो इट विल बी शोन ऑन कहाँ दिखाई देगा? कहाँ दिखाई देगा गुडविल? बैलेंस शीट एसेट साइड. परफेक्ट. नाउ कम्स अ सिचुएशन, गुडविल इज टू बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ. तो अगर ऐसा दिया है कि गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, सो माय डियर फ्रेंड्स यू हैव टू रिमेंबर दैट इन दिस केस गुडविल अकाउंट विल बी रेज्ड बाय पासिंग एनी वन ऑफ द एडजेसेंट एंट्रीज. गुडविल रेज करने का जर्नल एंट्री सेम रहेगा या तो फिर देखने का
एंटायर फॉर्म का है या क्या है, उसके हिसाब से एंट्रीज आएगा। हाउएवर द एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल इज, तो गुडविल राइट ऑफ करने का हम लोग अलग सा जर्नल एंट्री, राइट ऑफ करना है मतलब जो गुडविल डेबिट हुआ है वो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, गुडविल अगर डेबिट हुआ है तो राइट ऑफ करते वक्त बोलो क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। अच्छा एक पार्टनर जाने का फायदा हमने डिस्कस किया था, एक पार्टनर जाने का फायदा किसको होता है, एक पार्टनर जाने का फायदा किसको होता है, ए बी सी में ए गया, नहीं नहीं बेटा ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर इधर यूज नहीं करते, नो वर्षा, मंजिश इज करेक्ट, ट्रेनिंग पार्टनर्स या ज्यादा अच्छा वर्ड है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, फायदा किसको होता है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड रिमेम्बर द वर्ड्स केयरफुली व्हाट इज बीइंग टॉट टू यू, ठीक है, तो याद रखने का कि एक पार्टनर जाने का फायदा ये होता है टू द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, ये होता किसको है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को होता है। सो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के लिए हम लोगों को डेबिट करना पड़ेगा, इसीलिए जर्नल एंट्री बनेगा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, क्या होएगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। तो क्या जर्नल एंट्री आने वाला है, जर्नल एंट्री रहेगा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, बोलो समझा क्या, एवरीवन अंडरस्टूड दिस, नाउ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड इन द बेनिफिट रेशियो, इट विल बी डेबिटेड इन विच रेशियो, इन द बेनिफिट रेशियो। तो इसके लिए अपन ने स्टार्टिंग से बहुत कुछ सीखा है। सो व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, याद रख लेना टू जर्नल एंट्रीज विल बी पास्ड, पहला एंट्री रेज्ड का होगा उसके बाद राइट ऑफ करने का जर्नल एंट्री आएगा। सो गुडविल के केसेस है जो तुम लोगों को याद रखने हैं, क्या क्या है मैं वापिस एक बार रिपीट करता हूँ, गुडविल या तो बैलेंस शीट में दिया रहेगा या फिर एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, गुडविल या तो बैलेंस शीट में रहेगा या फिर एडजस्टमेंट में होगा, ठीक है, गुडविल बैलेंस शीट में दिया रहेगा तो सिंपल इट्स ट्रीटमेंट विल बी लाइक अ नॉर्मल एसेट, इट्स ट्रीटमेंट विल बी लाइक अ नॉर्मल एसेट, ठीक है, अगर एडजस्टमेंट में दिया रहेगा तो दो बातें हो सकती है, आइदर गुडविल अकाउंट इज रेज्ड और गुडविल अकाउंट इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, आइदर गुडविल अकाउंट इज रेज्ड और गुडविल अकाउंट इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। If it is raised, it can be raised either for the entire firm or it can be raised only for retiring partner share. If it is raised for the entire firm, journal entry will be goodwill account debited to all partners' capital account in their old profit sharing ratio. Whereas if it is raised only for retiring partner share, it is goodwill account debited to retiring partners' capital account. पहले ये raised वाला concept समझा, मतलब maximum तुम लोगों को क्वेश्चंस में यही आने वाला है इस चैप्टर में, जैसे उधर रिटेन्ड और विड्रॉन यही केसेस मैक्सिमम आए थे, आप में से कितने लोगों को याद है आई डोंट नो, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हैड दैट ओनली, बहुत कम जगह पे रेज आया था और शायद रेज एंड रिटर्न ऑफ तो एक ही बार आया था। तो एडमिशन में रिटेन्ड विड्रॉन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडजस्ट रिटायरमेंट में इट इज रेज्ड एंड कभी कभार रेज्ड एंड ऑफ। तो थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़ाई करोगे कंपैरेटिव तो इट विल बी बेटर। ओके आई जस्ट वांट टू आस्क वन परमिशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, मैं ये अगर इधर से डिलीट करूँ ना तो शायद थोड़ा सा फॉन्ट सबका बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो ये गुडविल वाला जो बैलेंस शीट वाला पार्ट है मैं वो नोट द्वारा लिखा के देता हूँ आपको, आई होप दैट इज ओके फॉर ऑल ऑफ यू। सो इफ गुडविल इज गिवन इन एडजस्टमेंट, वहां से हम लोग बात करेंगे।
सो गुडविल गिवन इन एडजस्टमेंट्स, गुडविल अकाउंट इज रेज, गुडविल अकाउंट इज रेज एंड रिटर्न ऑफ. तो दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न. नाउ गुडविल के बारे में इतना ही पॉसिबिलिटीज है, इसमें और कुछ ज्यादा वेरिएशंस नहीं आता है. हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स फाइनल सेटलमेंट. गुडविल का केसेस समझा आप लोगों को. रेज्ड आया तो यू कैन बी गिवन गुडविल अकाउंट इज रेज्ड फॉर एंटायर फर्म, गुडविल अकाउंट इज रेज्ड फॉर रिटायरिंग पार्टनर शेयर, या बोलेंगे गुडविल अकाउंट इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ ऑफ दिस. तो देर आर फोर केसेस एज फार एज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज कंसर्न. इतना आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है. मैं वो नोट लिखा के दे देता हूँ, कौन सा वाला जो मैंने डिलीट किया है. इफ गुडविल अकाउंट इज गिवन इन बैलेंस शीट, इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ नॉर्मल एसेट. इन सिंपल वर्ड्स, इफ देर इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल, इट विल बी recorded as profit, while decrease in the value of goodwill will result in loss. The second effect of profit or loss will be recorded in revaluation account. I hope it is pretty clear with all of you. We come to the last part of the theory, which is called as final settlement of retiring partner. What is final settlement of retiring partner? On the date of retirement, the retiring partner is entitled for the following benefits: A, balance in capital account. उसको क्या क्या मिलना चाहिए, है ना? पहले तो उसको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, बैलेंस इन करंट अकाउंट, उसके करंट अकाउंट में कुछ रहेगा तो वो इस शेयर इन accumulated profits or losses उसको मिलना चाहिए, his share in goodwill उसको मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए share in revaluation profit or loss. So my dear friends, हम लोगों को ये सब मिलना चाहिए. क्या क्या मिलना चाहिए उसको, अगर हम retire हो रहे हैं तो उस दिन अपने account में जो सब था, capital में क्या था, करंट में क्या था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस में क्या था, गुडविल का अपना शेयर क्या है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस कितना होता है, ये सब चीज उन लोगों को मिलना चाहिए था. ठीक है, ये सब अपने कैपिटल अकाउंट में आपको दिखेगा. ठीक है, सो हमको क्या करना है, द सेटलमेंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर कैन बी डन इन टू वेज. दो तरीके से सेटलमेंट कर सकते हैं. वन, बाय पेमेंट इन कैश. क्या हो सकता है, अगर तुमको किसी को भी कुछ देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू पे देम व्हाट, कैश. किसी को आपको अभी आपका पार्टनर जा रहा है तो उसको पैसा दे दो, तो कैश अगर आपने पेमेंट किया. कोई सोच सकता है क्या क्या जर्नल एंट्री आएगा, रिटायरिंग पार्टनर को मैंने कैश दिया, क्या जर्नल एंट्री आएगा? एनीबडी वुड लाइक टू ट्राई? बेटा अतिशा, कैश अकाउंट डेबिट का मतलब क्या होता है,
कैश अकाउंट डेबिट यानी पैसा आया, यहाँ पर आप पैसा दे रहे हो तो जर्नल एंट्री आएगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। नहीं इट्स फाइन, आप गलती करोगे तो भी मुझे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको सिर्फ बताया। सो इट कैन और बैंक अकाउंट कैश रहेगा तो कैश, नहीं तो बैंक, बाय ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। समझो वो पार्टनर है, उसको मालूम है उसके हिस्से में बहुत पैसा आने वाला है और फर्म के पास उतना पैसा नहीं है। अभी आपका ही घर है वो, आप वहीं पर रहते थे, आपको मालूम है अंदर का हालत क्या है, पैसा नहीं दे सकता है तो कोई चिंता का बात नहीं है। अपन ने इतना साल वो फॉर्म पे भरोसा किया तो बोले ठीक है थोड़ा थोड़ा पैसा करके दे दो। सो इट कैन बी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू भी रहेगा रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। सिंपल है, समटाइम्स इट इज पॉसिबल दैट ऑल द पार्ट मे डिसाइड टू मेक पार्ट पेमेंट एंड द बैलेंस अमाउंट कैन बी repaid by way of loan। समझो A is a retiring partner, suppose A is a retiring partner, उसके अकाउंट में देने का है 12 लाख। अब फर्म के पास उतना पैसा नहीं है तो फर्म क्या कर सकता है, ठीक है 12 लाख में से 1 लाख रुपया अभी देगा या 2 लाख रुपया अभी देगा कैश में, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल टू कैश, बाकी का 10 लाख रुपया लोन रख सकते। इट कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। बोलो क्या बोला मैंने, सबको समझा क्या? सबसे पहला पार्टनर को क्या क्या मिलना चाहिए और उसका सेटलमेंट कैसे होगा। आफ्टर सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, या इसको कभी कभी आउटगोइंग पार्टनर भी बोलते हैं, जाने वाले पार्टनर का सेटलमेंट होने के बाद द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स मे डिसाइड टू रीएडजस्ट देयर कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑल्सो। अब ए के जाने के बाद बी और सी क्या कर सकते हैं? बी और सी बोल सकते हैं ठीक है चलो लेट अस कंटिन्यू अवर फॉर्म इन अ न्यू वे विथ अ न्यूअर एनर्जी एंड लेट अस रीएडजस्ट अवर कैपिटल्स एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन सच अ केस। अभी आप लोगों को मालूम है रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स आपने कितने बार किया है। इन सच अ केस द डिफरेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट्स आएगा ना कैन बी एडजस्टेड थ्रू। बोलो आप लोगों को आता है? अगर रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स का बात आ गया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है मेरे दोस्तों? डिफरेंस कैन बी एडजस्टेड थ्रू व्हाट? यस लोन अकाउंट, करंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। वेरी सिमिलर टू व्हाट वी लर्नड इन द चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बस दिस इज द थियरी, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। हम लोगों ने आज सीखा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर बोलो, या उसको हम लोग नाम देते हैं आउटगोइंग पार्टनर, जाने वाला पार्टनर। तो ये सब तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। एक चीज और है मैं बोल के रखता हूँ आज, शेयर इन प्रॉफिट ये क्या है बाद में सिखाता हूँ, क्योंकि थियरी आप लिख रहे हो, बाद में मेरे को याद दिलाना क्या था सर आपने शेयर इन प्रॉफिट बोला था, वो मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट इज शेयर इन प्रॉफिट, क्योंकि क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके, तो वो हम लोग सॉल्व करते करते वी विल डिस्कस द सेम। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, इट्स क्वाइट सिंपल आउट देयर, नथिंग डिफिकल्ट। ठीक है
we still have a lot of time in our hand, and what I am doing now is sharing this PDF to all of you. You have to write it in your notebook. And tomorrow we will start with the question number 1 related to retirement of partners.